ओम शांति। 13 अक्टूबर 2021। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है, यही सुख और आनंद का आधार है। प्रश्न: विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर: विजय माला में आना है तो विशेष होली अर्थात पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। आज का गीत: महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। देखो, हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना। सन शोज फादर। तो अहम आत्मा, तुम भी कहेंगे हम आत्माएं। हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है, ये तो सब मानेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस। उनके पास क्या है? वह आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमको मालूम है तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे ये नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं लेकिन वह कैसे है ये तो पता ही नहीं। बाकी तो सब कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा वर्णन करते हैं कि वह आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहाँ इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहाँ सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? अब ये समझने की बातें हैं। ये जो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते हैं ये तो हुई सुख की अवस्था, लेकिन वहाँ शांति देश में आनंद प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया? वे सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तब आकर सुख देते हैं। वहाँ तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है दुख सुख से न्यारी दुनिया जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, दूसरी फिर है सुख की दुनिया जहाँ सदा सुख आनंद रहता है जिसको स्वर्ग कहते हैं, और ये है दुख की दुनिया जिसको नर्क अथवा आयरन एज्ड वर्ल्ड कहते हैं। अब इस आयरन एज्ड वर्ल्ड को परमपिता परमात्मा जो सुख का सागर है वह आकर इसे बदला कर आनंद सुख का प्रेम का भंडार बनाते हैं। जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उन्होंने प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं उसमें सुख और आनंद है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं है।
वह तो है इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान, वह है सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था, जहां दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती। वह दुख सुख का पाठ तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है, इस ही सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात नहीं रहती है। वह तो कहते मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं यू आर माई बिलव्ड सन्स, हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है। ये भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो, ऐसे नहीं जैसे वे गुरु की गोद ले चले जाते हैं घर में। उनको बिलव्ड सन्स नहीं कहेंगे, उनकी भी वे जैसे प्रजा है। बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलव्ड सन्स बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। वे वारिस बन वर्षा लेते हैं, जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली है तो वारिस बन गए हो। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है ब्लिस। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है, तो जितना वे उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। ये गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। ये अटल अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वे हैं तुम्हारी बिलव्ड प्रजा। बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं। जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं यहाँ तो अथाह सुख और शांति है, उस दुनिया में तो दुख है, तो आकर गोद ले लेते हैं। फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता। तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है, सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो शांति सुख है तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलव्ड संत बन जाते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। वे फिर दैवी सिजरे में आते रहते हैं। प्रजा तो साथ नहीं रहती, वे कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते। जैसे गीत में कहते हैं महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, तो परवाने भी शमा पर डांस करते करते मर जाते हैं। कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं, ये तन भी एक शमा है जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बन आए, आते जाते आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हजारों लाखों हैं, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वह तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि ये इमॉर्टल फादर की शिक्षा तो विनाश नहीं होती। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं वे प्रजा में आएंगे जरूर। वहाँ तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, इटर्नल ब्लिस है, क्योंकि वहाँ सब सोल कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं इसलिए दुखी हैं। वहाँ तो है ही स्वर्ग, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते हैं, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। ये तो जरूर है, सब तो वारिस नहीं बनते,
यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दाने बनने वाले हैं, वह भी अभी बने नहीं हैं, बन रहे हैं। साथ साथ प्रजा भी बन रही है, वह भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं, घर बैठे योग लगा रहे हैं। योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते तो प्रजा से वारिस बन जाते। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है कुछ, तब तक बाहर रह योग लगाते निर्विकारी रहते आते हैं। तो घर में रह जो निर्विकारी रहते तो घर में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि कामेश क्रोधेशु काम महाशत्रु पर जब तुम जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो तो झगड़ा होता है। बाप कहते हैं, बच्चे मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। बाप भी कहते, बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं, रास्ते में काम चेष्टा थोड़ी ही करेंगे, वे तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय जय करते जाते, लेकिन लौट आते तो फिर वही विकारों में गोता खाते रहते। तुमको तो लौटना नहीं है, काम क्रोध में आना नहीं है, विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, होलीनेस नहीं बनेंगे। जो होली बनेंगे वे विजयमाला में आएंगे, जो फेल होंगे वे चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। ये तुम सबको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है ना। वहाँ इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर हैं वैसे तुम भी प्योर बनो तो तुम सतयुग में सुखमय प्रेममय राज्य करेंगे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। अब ये दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कॉपर एज, फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है, तो अब ये दुनिया बदल रही है, कौन बदला रहा है? गॉड हिमसेल्फ, जिनके तुम बिलव्ड बच्चे बने हो। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, प्रजा प्रजा है। जो सन्यास करते हुए वारिस बन जाते उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है, लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया तो पद नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा वह नवाब बनेगा, जो आते जाते हैं वे फिर प्रजा में आएंगे, फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा। बिलव्ड तो वह भी बनते, लेकिन फुल बिलव्ड तब बनते हैं जब बच्चा बनते हैं, समझा? सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो घर बार छोड़ जाते हैं, दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ में रहते विकार में नहीं जाते हैं, वे फॉलोअर्स को बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, उनके भी शिष्य होते हैं, लेकिन उनके शिष्य उनके बिलव्ड सन नहीं बन सकते, क्योंकि वह तो घर बार बच्चे वाला होता है तो वह अपने पास तो बिठा नहीं सकते, न खुद सन्यास किया हुआ है न औरों को सन्यास करा सकता है। उनके शिष्य भी गृहस्थ में रहते हैं, उनके पास आते जाते रहते हैं, वे सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते अथवा मंत्र दे देते हैं बस। अब उनके वारिस तो बने नहीं तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़ चले जाते हैं। देखो एक माला है 108 की, दूसरी फिर उससे बड़ी 16108 की माला होती है, वह है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्यूरिफाई नहीं बनते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं, यह राज भी तुम अभी सुनते हो,
जानते हो, वहाँ ये ज्ञान की बातें नहीं रहती। यह ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर मिलता है, जब दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, जो पूरा कर्म इंद्रियों को नहीं जीतेंगे, वे चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वे सूर्यवंशी घराने में आएंगे। उन्होंने भी तो नंबरवार बनते हैं सरोर, शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो, सबसे मम्मा तीखी गई है तो उसको स्कॉलरशिप मिल गई है, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उसको हम भी माता कहते, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वह तो ब्लड कनेक्शन हो गया। ये तो इटर्नल बच्चे बनते हैं। सब सन्यास कर आते हैं तो उन पर लव जास्ती जाता है। इटर्नल लव सबसे तीखा होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते हैं। यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया है। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते हैं। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है। वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। वह तो जादूगर है, उसका ये जादूगरी का पार्ट अभी चल रहा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा अर्थात नाराज नहीं कर सकते। खफा करें तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएं। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहाँ तो सतो प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वे बिलव्ड प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। भल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पद का अहंकार नहीं रहता। सब ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। गॉड भी ओबीडियंट सर्वेंट बन अपने बिलव्ड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। उनकी बच्चों के ऊपर ही ब्लिस रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे नूरे रत्न, कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं। ऐसे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा अर्थात नाराज नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। स्पष्टीकरण, यही संगठन में हर एक एक दो के मददगार शुभ चिंतक बन कर रहें, तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ओम शांति। Thank you.
शो में फिर एक बार है बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वेलकम। आप सभी फिर एक बार आए हैं। आज है 13 तारीख का एक सुंदर सा दिन और आप फिर एक नई उम्मीद के साथ आए हैं कि कुछ नया लेकर जाएंगे। ज्ञान रत्नों से तो भरपूर होंगे ही, साथ ही साथ बाप की दुआएं और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न। प्रश्न है, कोई भी क्या अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए संसारी आदतें, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी विकारी संस्कार, ऑप्शन डी सूक्ष्म इच्छा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी इच्छा। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बधाई हो और बेहद बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं। बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, संगठन में किस द्वारा विजयी बनने वाले सर के शुभचिंतक भवा। चार ऑप्शन, ऑप्शन रूहानी प्रेम, ऑप्शन बी सहयोग की शक्ति, ऑप्शन सी आपसी समझ, ऑप्शन डी शांति की शक्ति। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी सहयोग की शक्ति। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बधाई हो और बेहद बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं। बढ़ते आगे, रखते तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, किसका वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। चार ऑप्शन, ऑप्शन निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऑप्शन बी सुख और शांति, ऑप्शन बी पीस और ब्लेस, ऑप्शन डी विश्व कल्याणकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सर, सही जवाब ऑप्शन सी पीस और प्लस। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बधाई हो और बेहद बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं। चल पड़ते हैं चौथी सीढ़ी की तरफ। चौथी सीढ़ी पर रखिए कदम। प्रश्न पेश हुआ है, किसमें आना है तो विशेष होली पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए वैजयंती माला, ऑप्शन बी विजय माला, ऑप्शन सी निर्विकारी दुनिया, ऑप्शन डी सत्युग। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब है ऑप्शन बी विजय माला। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बधाई हो और बेहद बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं। चलिए अब रखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। प्रश्न एक है, दुख सुख से न्यारी दुनिया, जिसको क्या कहते हैं। दूसरे फिर है सुख की दुनिया, जहाँ सदा सुख आनंद रहता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए फरिश्तों की दुनिया, ऑप्शन बी आकारी दुनिया, ऑप्शन सी इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ऑप्शन डी अव्यक्त वतन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पांचवा प्रश्न पर आप पहुंचे हैं, हम बता दीजिए सही जवाब और फिर एक बार ले जाइए 10 पॉइंट्स आप। बहुत बहुत आपको मिलेंगी दुआएं और मुबारक। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब बताने का वक्त आ गया है, ऑप्शन सी इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बधाई हो और बेहद बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं आज का छठवां प्रश्न। प्रश्न है, वह है सबकी रिटायर लाइफ अथवा क्या, जहाँ दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती। चार ऑप्शन, ऑप्शन निर्वाण अवस्था, ऑप्शन बी निर्माण अवस्था, ऑप्शन सी न्यारी अवस्था, ऑप्शन डी शरीर अवस्था। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब है ऑप्शन ए निर्माण अवस्था। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बधाई हो और बेहद बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं।
अब रखते हैं सातवीं सीढ़ी पर कदम, दिखाते हैं सातवां प्रश्न। प्रश्न है, किसमें रात दिन का फर्क रहता है? वे बारिश बन वर्षा लेते हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए राम और रावण, ऑप्शन बी बच्चे और प्रजा, ऑप्शन सी पवित्र और अपवित्र आत्मा, ऑप्शन डी निर्विकारी और विकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सातवां प्रश्न आ चुका है, बताइए इसका भी सही जवाब, और मौका है जीत जाने का 10 पॉइंट। 10-10 पॉइंट्स करते करते आप ताज खारी बन जाते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वक्त समाप्त हो चला, बताते सही जवाब बच्चे और प्रजा। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बधाई हो और बेहद बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, रखेंगे आज का 8वां प्रश्न। प्रश्न है, एजुकेशन को क्या कहा जाता है? तो जितना यह वह उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए ईश्वरीय पढ़ाई, ऑप्शन बी ब्लेस, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी नॉलेज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8वां प्रश्न, 80% खेल पर आ पहुंचे हम, देखते ही देखते सब कुछ तेरा तेरा करते हम 8वें प्रश्न पर आ पहुंचे हैं। जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है बाप को हवाले कर दीजिए, सब कुछ बहुत गुना होकर मिलेगा। वक्त समाप्त हुआ, चलिए बताते सही जवाब, ऑप्शन बी ब्लेस। तो फिर एक बार बधाई हो और बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, 10 पॉइंट्स तो आपके नाम हो ही चुके हैं। अब बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, कौन भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो घर बार छोड़ जाते हैं, दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं जो घर ग्रस्त में रहते विकार में नहीं जाते। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए साधु सन्यासी, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी पुजारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, वक्त समाप्त हो चला है, सही जवाब है ऑप्शन सी सन्यासी। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो। चलिए फिर भी अभी एक उम्मीद बाकी है, रखते हैं 10वां प्रश्न। हो सकता है गोल्डन क्राउन भी आपके हाथ आ जाए, और नहीं तो सिल्वर क्राउन, गोल्डन क्राउन भी मिल जाए, या मास्टर मुरलीधर का ताज ही ले जाए। तो चलिए रखते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न है, जो पूरा किसको नहीं जीतेंगे वे चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कर्मेंद्रियो, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियो, ऑप्शन सी विकारो, ऑप्शन डी संस्कारो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मेंद्रियों को। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम आपको देती है सुंदर गुलदस्ते आपकी सफलता पर, इसे करिए स्वीकार। सुंदर से फूल जो आपको मिले हैं, साथ ही साथ ताज भी मिला है, और ये सुंदर सी ट्रॉफी भी आपके लिए है। अच्छा, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा और खुशियां बांटते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश, जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए, 8770659619। याद रहे, यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्टी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।